खास करके गरीबों के मसीहा, जिसने गरीबी देखी है, जिसने अपने जीवन में कष्ट देखे, वही तो इसकी बात समझता है। जिसने गरीबी नहीं देखी, जिनके लिए मैं शब्द बोलूंगा तो हल्का हो जाएगा, लेकिन जिनने विरासत में, जिनके पिताजी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, उनको ये दर्द मालूम नहीं होता है। गरीब आदमी के जीवन में दो रोटी का जुगाड़ कैसे मिलता है ये वो जानता, उसकी आत्मा जानती है। इस बात के लिए हमको एहसास, जब मैं झारखंड में बोलने के लिए खड़ा होता हूं, मेरी अपनी सरकार में अशोक जी, मिश्रा जी, सारे बंधु हों, हमारे यहाँ के कई अधिकारी जो झारखंड बिहार से जाकर के प्रमुख सचिव, जितने आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, देश की लिस्ट उठा लो, किस बात की कमी है झारखंड बिहार में? टैलेंट की कोई कमी नहीं। डॉक्टर, वकील, अभी आपके अध्यक्ष जी वो खुद इंजीनियर है, वो बता रहा है भोपाल में मैंने कौन कौन से आशियाना माल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। तो ये बिल्डिंगें बनाने का टैलेंट उनके मन में, बुद्धि उनके पास, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के चोर राजनेताओं ने सब माल डकार लिया और सब गरीब जनता को भूखे मरने छोड़ दिया। ये लड़ाई इसी बात के लिए जानी जाएगी। ये चुनाव एक तरफ विकास का चुनाव है और एक तरफ सारे बेईमानों का चुनाव है, जिनने जनता के हक पे डाका डाला, लूट खसोट के अपने जेब भरे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज का ये समय तो और ज्यादा चिंता का है, क्योंकि जब यहाँ के मंत्री, और मंत्री तो छोड़ो, मंत्री के पीए और पीए के भी नीचे वाले के जेब में से 40-40, 50-50 करोड़ निकलते हैं, ये बेईमानों की धरती का कलंक लगाने का काम करते हैं, और हम सब चुनाव में इन बेईमानों को धक्का बताने का काम करेंगे। एक बार मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ये चुनाव बेईमानी और ईमानदारी के बीच होगा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और ये सारे करप्शन वाले नेताओं के बीच होगा। और हम तो आज के इस दौर में चुनाव के जिस बीच में आए हैं, अभी अशोक जी बता रहा है मेरी तो जमीन हिल गई। अरे देने वाला दे रहा है, लेकिन इनकी छाती क्यों जल रही? किसान सम्मान निधि, कौन कौन किसान है हाथ खड़े करो अपने यहां जिनकी खेती बाड़ी है। ये किसान सम्मान निधि यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये राशि दिया रहे। लेकिन हमारे किसान भाइयों को, ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात का बराबर हिसाब रखती है, या तो सीमा पे जवान या खेत में किसान, दोनों के लिए बराबर सम्मान, ये है भारतीय जनता पार्टी। एक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है, एक अपना खून पसीना बहा करके हर भूख के लिए इंतजाम करता है, अन्न जाकर के उनकी खेती बाड़ी से लोगों का पेट भरता है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कभी 75 साल में एक किसान का कोई भला नहीं किया, लेकिन जो दे रहे थे वो भी लूट लिया, वो भी नहीं दे। अरे गंगा मैया, आप थोड़ी दया करना, इनकी हड्डियां भी मत स्वीकार करना, इनके लिए इनके इतने पाप हो गए, इनके कर्म ऐसे हैं, इनके लिए याद रखना। ये कौन से दौर में हम पहुंचे हैं, ये कहां की दुनिया है? किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, और क्या बता रहे थे अशोक जी, हमारे गरीबों का अन्न। अरे बाप रे, ये तो हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो चींटी को भी आटा डाल के उसके भी पेट पालने के लिए हमारे हाथ से पुण्य लगता है, गाय को रोटी दे के आनंद आता है, अपने घर में रोटी बने तो आखिरी रोटी कुत्ते काल भैरव के नाम पे भी करना पड़ता है, हमारे भगवान का भी अलग वाहन है उनका वो। ये हमारी संस्कृति है, 33 करोड़ देवी देवता हम गो माता में मानते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, इनको गरीबों से भी लेना देना नहीं। इतने खराब लोग हैं कि गरीबों के कंट्रोल के ऊपर भी इनका कंट्रोल, इनकी बेईमानी का नाटक चल रहा है। कोई बात नहीं,
एक एक करके सारे हिसाब रखते जाओ, आने वाले चुनाव वाले दिन सारा हिसाब चुकता कर लेना, कोई बाकी रहने वाला नहीं। जिस प्रकार का माहौल बना है, जैसी हवा चल रही है, अब हवा बता रही है आने वाले समय में समय की घड़ी किधर जा रही है, और मैं भगवान की दया से महाकाल की धरती से आता हूं। और वापस खबरों का सिलसिला, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और तभी मंडला में 70 साल की दादी अम्मा अ से अनार सीख रही हैं। कई बुजुर्ग महिलाओं ने कलम को अपना नया साथी बना लिया है। ये महिलाएं पढ़ना लिखना सीख रही हैं। सत्तर साल की भगवती पढ़ते अ से अनार सीख रही हैं। 65 साल की सिलोचना बाई भी ज्ञ से ज्ञानी बन रही हैं। इन्हीं के जैसी और भी कई महिलाओं या यूं कहें दादियों ने अंगूठे को अंगूठा दिखाने की ठानी है, कलम को नया साथी बनाया है। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे जो भी उम्र हो पढ़ाई शुरू की जा सकती है, इसके लिए चाहिए सिर्फ लगन। ये महिलाएं भी पूरी लगन के साथ पढ़ाई लिखाई में जुटी हुई हैं। मेरे को बताया गया कि अक्षर साथी बन जाओ, उसके द्वारा महिलाओं को जागरूक करो, उनको दस्तखत करना सिखाओ, तो वो ये सब मैं उनको पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ। उन लोग अच्छे से पढ़ाते हैं कि सीख जा बोलते हैं, तो हम सीख गया उनके वजह से, वो साइन दस्तखत बन जाती है हमको, तो थोड़ी हमको आगे बढ़ने होते हैं, तो हम आने जाने के बताती हैं उन लोग कि ऐसा पढ़ना तो ऐसा पढ़ना, ऐसे पढ़ाती है, अंगूठा साइन बन जाती है। ये महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालते हुए पढ़ नहीं पाई, शिक्षा के अभाव में ये शासन की योजनाओं तक से वंचित रह जाती हैं। राशन की दुकानों में अंगूठा लगाती हैं, लेकिन अब इनका कलम चलेगा। इन्होंने अभी अभी कलम पकड़ना सीखा है, पढ़ना लिखना सीखा है। ये महिलाएं हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रही हैं और दस्तखत भी करने लगी हैं। पढ़ाई लिखाई तो नहीं बनत रहे बेटा जब ऐसे, आखिर अब बेटी के कारण पढ़ाई लिखाई बनने लगी थोड़ी बहुत, तो अब बैंक वैंक जाती हूँ तो दस्तखत करती हूँ मैं, थोड़ी बहुत बन रही है थोड़ी थोड़ी। अभी तो लिख दस्तखत करत बन जाते सर, पहले तो कुछ नहीं बनत रहे, अंगूठा कर छाप रहे हैं। अभी यहाँ मैडम लोग पढ़ा पढ़ा के हमें सिखाई है, तो हम सीखे हैं। इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है गांव की ही पढ़ी लिखी दीदियों ने। दीदियों ने अपने अपने गांव के अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है और रोजाना ही स्थानीय भाषा का उपयोग कर पढ़ा रही हैं। ये महिलाएं भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही हैं। हमारे विद्यालय में आते हैं हम लोग, एक घंटा समय निकाल करके और इनको पढ़ाते हैं, और जैसे हम बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाते हैं, वैसे ही अम्मी इनको नए नए तरीके से थोड़े गा बजा कर, ताकि इनका भी मन बहला रहे। ये महिलाएं इस उम्र में पढ़ना लिखना सीख रही हैं। इसके श्रेय जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भी जाता है। इन्होंने पदभार ग्रहण करते ही क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान इन्हें ग्रामीण इलाकों में लोग अशिक्षित मिले, इन्हें शिक्षित करने के लिए जिले में अ से अक्षर अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर ने जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में 1016 अक्षर कोना की स्थापना की। पढ़ाने के लिए गांव के ही 1795 अक्षर साथियों को लगाया गया है। इसके पश्चात जब इनको अक्षर ज्ञान हो जाएगा तो प्रशासन के द्वारा इसमें भारत सरकार की तर्ज पर इनके एग्जाम कराए जाएंगे, जो लगभग 60,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं, प्रौढ़ छात्र ऐसे हैं जिनको अभी निरक्षरता की श्रेणी में है, तो इन सभी को तैयार कर फरवरी माह में इनके एग्ज़ाम दिलाए जाएंगे, और इसके पश्चात हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग 100% हमारे स्टूडेंट सफल हों और एक तरह से निरक्षरता का, जो प्रौढ़ निरक्षरता का कलंक है, वो मंडला जिले से मिट सके। ये पहल शानदार है। स्कूल में अब बच्चों के साथ ही बुजुर्ग महिलाओं की भी क्लास लग रही है। दादी अम्मा भी पढ़ना लिखना सीख रही हैं। इन महिलाओं के लिए भी अब अ से अक्षर है। कृष्णा साहू, न्यूज 18 मंडला। और अब